ज्ञानतिमंद ज्ञाजनाशलाकयचुन्मील मेन तस्म श्रीगुरव नम नम भूतले श्रीमते भक्ति वेदांसामीनामस्ते सरस्वती दिवरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषून्यवादी पाश्चातशताछाकभ कृपासींधुभ्य पति पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नम हे करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमा हरिप्रिय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभुनिनंद्रीयदाधर्षवासदे गौरभक्तबृंद हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा सबका स्वागत है आज से हम लोग तीन या चार दिन के लिए चित्र विचित्र कथाएँ इस शीर्षिका को लेकर ऐसे कुछ विचित्र कथाओं को निश्चित रूप से यहाँ भगवान की स्तुति है उनके भक्तों की महानता है और किस प्रकार से इस महानता को इस अपने समस्या को झेलते और अपनी महानता को प्रस्तुत करते ये जो कथा है जिस समय भगवान श्री कृष्ण द्वारका गमन कर चुके थे पांडवों ने राज्य प्राप्त कर लिया था राज्य प्राप्त करने के उपरांत युधिष्ठिर महाराज ने अनुभव किया अपने जो ताप थे भीष्म देव का देहांत तो हो गया परम धाम को प्राप्त हो गए थे उनको अपने जो भ्राता कर्ण के बारे में समझ में आ गया था तो राज्य प्राप्ति का इतना कोई आनंद नहीं था पहले भी ऐसा कुछ वो विक्ट्री वाले दूसरों को परास्त करके जो सुख का अनुभव करते ऐसा कुछ नहीं था कर्तव्य बुद्धि से अपने राज्य का पालन किया करते थे तो उस समय क्योंकि वो क्लेश में थे दुख में थे परंतु उनके मन में नास्तिकता का भाव नहीं आया हम देखते जब भी कोई अपने कर्तव्यों को करते 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 उसके साथ में आने वाले समस्याएं उनको झेलने की क्षमता न होने के कारण उस कर्तव्य की निंदा करने लगते हैं और जो वर्णाश्रम धर्म की निंदा करते करते एक नास्तिकवाद को स्वीकार कर लेते लेकिन युधिष्ठ महाराज के साथ ऐसा नहीं हुआ और ये जो भाग है जिसकी हम चर्चा करेंगे ये भाग अश्वमेधिक पर्व व्यासदेव जी ने एक कई अध्याय में इसको पूरा कर दिया परंतु उनके शिष्य जैमिनी महर्षि इसका सुंदर वर्णन करते हैं इसको हम देखते हैं तो यज्ञ करना क्षत्रियों के लिए यज्ञ शब्द केवल अग्नि में आहुति डालना नहीं होता गीता के चौथे अध्याय में अगर हम पढ़ेंगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अलग अलग यज्ञों के बारे में वर्णन करते हैं यज्ञ यानी कि हम जब श्वास भी लेते हैं ना वो भी यज्ञ ही है श्वास लेना श्वास वापिस देना ये भी एक प्रकार का यज्ञ है एक विद्यार्थी अपने गुरु के लिए समय देता है वो यज्ञ है गुरु अपने विद्यार्थियों के लिए अपने प्राण से अपने बुद्धि से अपने तन से मन से जो ज्ञान देते वो भी यज्ञ है जहां किसी को कुछ खर्चा करना पड़े और उसका परिणाम क्या होगा इसकी जानकारी न होना यह यज्ञ का एक अर्थ बताया गया है इसलिए जो अग्नि के साथ में जो यज्ञ करते हैं वो सांकेतिक है महत्वपूर्ण है उसमें बहुत शक्ति है लेकिन पूरा जीवन एक यज्ञ है एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त इस यज्ञ के चक्र में सबको भाग लेना चाहिए तो क्षत्रिय होने के नाते लोग अलग अलग प्रकार के यज्ञ किया करते थे तो पांडवों ने अश्वमेध यज्ञ इसके बारे में सोचना प्रारंभ किया था आपने पढ़ा होगा सुना होगा अश्वमेध यज्ञ गोमेध यज्ञ राजसूय यज्ञ वाजपेय यज्ञ सोम यज्ञ, वैष्णव यज्ञ ऐसे अनेक प्रकार के यज्ञ हुआ करते थे और यज्ञ करने वालों के पास प्रचुर मात्रा में जो समृद्धि होने के नाते अपने अपने शक्ति के अनुसार लोग अपना अपना यज्ञ क्रिया करते थे जिस समय एक कोई नट दक्षिण भारत के मुख्यमंत्री बने थे उन्होंने अपने लोगों को कहा था मुझे भी राजस्व यज्ञ करना है तो उनके कई प्रश्न का राजस्वीय यज्ञ प्राप्त करने के लिए आपको चक्रवर्ती सम्राट बनना होगा हा? इस काल में राजस्व यज्ञ नहीं होगा और कलयुग में गोमेद यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ इसके बारे में शास्त्र में निषेध किया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु चांद का जी के साथ जब चर्चा कर रहे थे उस समय बताते अश्वेदम गवालंबम संन्यासम पल पैतृकम देवरण सुतोत्पति कली पंचम विवर्जित ये पांच प्रकार के कार्य है उसको निषेध किया गया उसमें गोमेद यज्ञ है और अश्वमेध यज्ञ अश्वेधय अश्वनि की घोड़ा और इस यज्ञ में अगर हम समझने का प्रयास करेंगे इसमें घोड़े को बलि चढ़ाना पड़ता है गो मेंज्ञ ने कि गाय को बलि चढ़ाना पड़ता है तो लोग काफ़ी बार प्रश्न करते कि आपके संस्कृति में गो हत्या के लिए यज्ञ के रूप में प्रतिबंध है पाबंदी मतलब उसको बनाए बताया गया है घोड़ों को मारने का यज्ञ बताया गया है लेकिन हमें समझना चाहिए बहुत ही सांकेतिक है ये बहुत ही विरल जिस समय अगर कोई राजा बनता चक्रवर्ती महाराज तो अगर शास्त्रों में कथा सुनोगे यज्ञ गोमेध यज्ञ साधारण लोग नहीं करते थे ऐसे गली गली में जानवरों को काटते नहीं थे पशुओं को काटते नहीं थे खास करके घोड़े और गाय को गाय का जो यज्ञ है गो यज्ञ है ब्राह्मण तेज का संकेत है और अश्वमेध यज्ञ क्षत्रिय तेज का संकेत होने के नाते महान क्षत्रिय लोग ही करते थे जब युधिष्ठिर महाराज दुख में थे तब उनको मिलने के लिए व्यासदेव जी आ गए और व्यासदेव जी ने आकर हाँ इसके पहले हम जैमिनी महर्षि के बारे में समझ लेते कि जयमिनी महर्षि इन्होंने अश्वमेध पर्व इसको बहुत सुंदरता से वर्णन किया हुआ है। जयमिनी ऋषि व्यासदेव जी के एक शिष्य थे जिनको व्यासदेव जी ने सामवेद सिखाया था सामवेद के प्रवर्त, प्रवर्तक होने के नाते उनके प्रस्तुतिकरण में जयमिनी अश्वमेध पर्व में बहुत सुंदर चित्र विचित्र कथाएं आती है और यज्ञ को प्राप्त करने के लिए यज्ञ को पूरा करने के लिए गण उस घोड़े के साथ में जाते हैं उसकी कहानी है तो जिस समय युधिष्ठिर महाराज व्यासदेव जी को मिलने के लिए व्यासदेव जी उनके दरबार में आए आने के उपरांत युधिष्ठ महाराज शोक कर रहे थे उनका शोक क्या था यही शोक था कि मैं मेरे ही तात को भीष्माचार्य को वध का कारण बन गया मेरे बड़े भाई का वध का कारण बन गया इतने सारे लोग इस युद्ध में मारे गए इसलिए मैं इतना कंतिक हो गया हूँ मैं राज्य नहीं करना चाहता हूं मैं जंगल में चला जाऊंगा भगवान श्री कृष्ण के ऊपर ध्यान करते हुए मेरे मुक्ति के लिए मैं प्राप्त करूंगा ये कौन कह रहा है स्वयं राजा कह रहे हैं और इन बातों को सुनकर देव जी प्रसन्न नहीं हो रहे देव जी कहने लगे देखो युधिष्ठिर आपके वक्तव्य ठीक नहीं है आप राजा हो राज्य चलाना है अनुशासन करना है धर्म के रूप में भगवान कृष्ण को केंद्र में रखते हुए इसलिए अगर आप शोकाकुल हो मैं चाहता हूं कि आप अपने शोक को दूर करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करो यानी कि अगर कोई बड़ा युद्ध हो जाता था उस युद्ध में आने वाले जो समस्या उसको दूर करने के लिए प्रायश्चित रूप में राजा लोग अश्वमेध यज्ञ करते थे क्योंकि यज्ञ चालू रहना चाहिए हमेशा के लिए तो युधिष्ठिर महाराज ने क्या कहा व्यासदेव जी मैं इस यज्ञ अगर इस यज्ञ को करने के लिए प्रयास करो न तो मेरे पास धन है युद्ध में सब कुछ नष्ट हो गया इतने लोग मारे गए मेरे सारे योद्धा थके हुए हैं अर्जुन थका हुआ है मैं अर्जुन को फिर से नहीं भेज सकता हूं और भीम थके हुए अपने पास धन भी नहीं है तो इतने बड़े यज्ञ करने के लिए मेरे पास सामग्री न होने के कारण मैं कैसे इस यज्ञ को कर सकता हूं ऐसे जब उन्होंने प्रश्न उठाया था तब व्यासदेव जी ने क्या कहा कि आप चिंता मत करें, आपके लिए प्रचुर मात्रा में धन मिल जाएगा बोले कहां से मिलेगा धन तब व्यासदेव जी ने कहा उनको संक्षेप में देखो काफी काल पहले जो रघुकुल के जो मरुत राजा थे उन्होंने बहुत बड़ा अश्वमेध यज्ञ किया था और उस अश्वमेध यज्ञ में जिन ब्राह्मणों को राजा ने प्रचुर मात्रा में धन दिया था उन ब्राह्मणों ने उस धन को कहाँ छोड़कर चले गए हिमालय के तट पर उन सारे धन को त्याग करके चले गए ओ धन पड़ा हुआ है उस धन को तुम लेकर आ सकते हो और उस धन को लेकर यज्ञ कर सकते हो युधिष्ठिर ने कहा देखो आचार्य कि पहले तो मैंने क्षत्रियों को इतना कष्ट दिया अगर मैंने ब्राह्मणों का धन हरण कर लिया इससे बढ़कर कोई दूसरा पाप नहीं है दो दो पाप मैं क्यों करूं तब युधिष्ठिर महाराज को व्यासदेव जी ने समझाया देखो युधिष्ठिर आपकी सोच बहुत ही अच्छी है परंतु यह समझना महत्वपूर्ण है आपको ब्राह्मणों ने उस धन के ऊपर अपने स्वामित्व को छोड़ दिया है अपने स्वामित्व को छोड़ने के कारण वह धन अभी उनका नहीं है और तुम राजा होने के नाते तुम स्वामी होने के नाते जब तक जहां तक अब राज्य करोगे उस राज्य में जिनका संपत्ति नहीं है जिसका कोई स्वामित्व नहीं है उसके स्वामी आप अप, अपने आप अप बन जाते हो इसलिए आपको धन की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है लेकिन व्यासदेव जी ने देखा कि युदिष्ठ महाराज अभी भी थोड़े शंका प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनके शंका को निवारण करने हेतु तो व्यासदेव जी ने भीम को बुलाया भीम आए भीम जान गए थे कि विधिष्ठिर महाराज क्या क्या बोल रहे थे तो उन्होंने कहा देखो महाराज युधिष्ठिर जी आप जो सोच रहे हो कि आपके पास योद्धा नहीं है आपके पास धन नहीं है आपके साथ में भगवान श्री कृष्ण नहीं है ये तो सही नहीं है क्योंकि जहाँ जहाँ आप हो वहाँ भगवान श्री कृष्ण निश्चित रूप में होते हैं उनके कीर्तन मात्र से सारे समस्या दूर हो जाते हैं यहां तो कीर्तन ही भगवान श्री कृष्ण हमेशा आपके निकट होने के कारण इसमें कोई समस्या नहीं आएगी इस यज्ञ से हमें डरना नहीं है हमें इसको करना है और इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज को भीम ने सांत्वना दिया आश्वासन दिया धैर्य दिया कि कृष्ण हमारे साथ में है हम शक्तिशाली है हम इसको कर सकते हैं तो उस समय उस घोड़े को प्राप्त करने हेतु तो जाना पड़ेगा ना बाहर तो कर्ण का पुत्र वृक्ष केतु नाम का पुत्र था उसे उसने कहा मैं तैयार हो जाने के लिए तो युदिष्ट ने बोला ऐसे कैसे हो सकता है आप तो बालक हो आपके पिता का वध हो गया है मैं पहले ही दुखी हूं आपके पिता का वध के कारण मैं आपको कैसे भेज सकता हूं तो कर्ण का पुत्र वृष के तो कहने लगा कि पिताश्री आपको ये समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरे पिता ने दुर्योधन की मित्रता की उनके अधर्म के साथ दिया और उनके अधर्म का साथ देने के कारण उनके हाथ से जो प्रमाद जो गलतियां हुई है उसका चिंतन करते करते मैं दुखी हो जाता हूं और उसके प्रायश्चित को प्राप्त करना चाहता हूं इसलिए मेरे लिए बहुत सुंदर अवसर है केवल उन्होंने दुर्योधन के साथ में नहीं रहे बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पर उन्होंने जो गलतियां की और उस असत सभा में द्रौपदी के साथ में जो गलत बर्ताव हुआ उसके लिए उनको दंड मिलना महत्वपूर्ण था श्लाघनीय था प्रशंसनीय था अर्जुन ने वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंटरेस्टिंग अर्जुन ने कहा उन्हें कर्ण को मारने के कारण कुछ अपकीर्ति मिल गया अपकीर्ति मिल गया परंतु मेरे पिता को जो अक्षय स्थान मिल गया उच्च गति को प्राप्त कर लिया तो कितना बड़ा लाभ हो गया इसीलिए आपको शोक और क्लेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है देखो यहां वृक्ष केतु अपने पिता के प्रति अपनी निष्ठा का प्रदर्शन कर रहे हैं लेकिन अपने पिता की जो खोट है ना गलत उसको उनके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं यहां धर्म और संवेदनशीलता दोनों साथ में जा रहे हैं दुर्भाग्य ऐसा है लोग अपने पक्ष को ही केंद्र में रखते दूसरे से बात करते हैं धर्म को केंद्र में रखकर नहीं बात करते अपने संबंधों को केंद्र में रखे के, अपने पार्टी को केंद्र में रखे के, अपने स्वार्थ को केंद्र में रख के चर्चा करते अपने धर्म को नहीं लेकिन ये सोलह साल के बालक ने क्या किया पांडवों को हितार्थ सुनाकर आश्वासन देकर अपने भीम के साथ जाने के लिए तैयारी दर्शाने लगे फिर उन्होंने सब कुछ कहा आगे क्या हुआ यह भी किया कि अर्जुन कैसे कर्णों को वध करने के बाद अपकर्ति को प्राप्त किए थे और उसने कहा कि इस वेदने में मैं भाग ले लू तो उसे क्या होगा मुझे बहुत लाभ होगा और उनकी तैयारी को देखकर घटोत्कच का जो पुत्र था मेघवर्ण वो भी तैयार हो गया और इतने सारे सामग्री और लोग एक साथ होने के लिए आने लगे तो निश्चित रूप से भगवान कृष्ण का चिंतन युधिष्ठिर महाराज करने लगे और क्या हुआ जैसे ही चिंतन करने लगे भगवान श्री कृष्ण द्वारका में थे वो तुरंत आ गए वहां पांडवों को मिलने के लिए और जैसे दोनों मिले तो क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पूछा तुम किसके भरोसे ऊपर इतना बड़ा यज्ञ करना चाहते हो ये जो भीम है उसका पेट फुगा हुआ है खा खा के उसका पेट फुगा हुआ है और इस प्रकार के लोगों पे भरोसा रखने से यज्ञ नहीं होता ये कोई साधारण यज्ञ नहीं है और जिस अश्व को प्राप्त करना चाहते हो वो अश्व कोई साधारण नहीं है इसलिए जो भीम है वो तो केवल खदेड़ है, खाता रहता है और राक्षस किस राक्षस का वध किया उसने केवल जरासन को हिडिम को और ऐसे दो तीन राक्षस को मारा हुआ है तो इसके हाथ से इतना बड़ा कार्य होना बहुत ही मुश्किल है यहाँ से वो मधुर जो इस निंदा में भगवान भीम की स्तुति कर रहे थे भीम ने जब भगवान से निंदा सुने उनको बड़ा क्रोध आ गया उन्होंने कहा हे कृष्ण हमने आपको किसके लिए बुलाया था हमने आपको इसीलिए बुलाया था कि आप हमारे समर्थन में हमारे कार्य के लिए मदद करें ये देव की आज्ञा है उनका आशीर्वाद है अगर इस यज्ञ में आप हमें भाग नहीं दोगे मदद नहीं करोगे तो क्या लाभ हो गया आपका आने का इधर और अब बातें कर रहे हो कर रहे हो खाने की कि खाने में सबसे ज्यादा कौन खाता है आप सबसे ज्यादा खाते हो आपने क्या खाया है आपने कितने सारे सृष्टि ब्रह्मांड को अपने पेट में समा लिया है और आप मेरी निंदा कर रहे हो कि मैं सबसे ज्यादा खाता हूं पहले सोचना चाहिए क्या बोल रहे हो और आप बोल रहे हो कि मेरे में सही प्रकार के नियम नहीं है आप में क्या नियम है आप देखो आपने शादी तो कर लिया रुक्मिणी के साथ इतने बड़े राजकुमारी के साथ शादी करने विवाह करने के बाद आपने किसके साथ फिर से शादी किया एक बंदर इनके साथ शादी कर लिया यहाँ भीम बड़े प्रेम से भगवान कृष्ण को डांट रहे इस डांटने में प्रेम है क्योंकि उनका मित्र का भाव है मित्रता में गौरव नहीं होता फिर वो भगवान हो या कोई भी हो फ्रेंडशिप में क्या होता है गौरव नहीं होता मित्रता होती है डांटने लगे आप मुझे डांट रहे हो आप सबसे ज्यादा खाते हो और आपने बंदरी के साथ शादी कर लिया विवाह कर लिया है और तीसरा आपका पुत्र कौन है किसको अपने पुत्र के रूप में स्वीकार किया अपने पुत्र के रूप में एक अनक को स्वीकार किया काम को स्वीकार किया प्रद्युम्न को और आपने बताया कि इस यज्ञ में जो शशुर के घर में रहने वाला यानी कि फादर इन लॉ के घर में रहने वाला कभी यज्ञ करना नहीं चाहिए बोलते समय सोच बूझ कर बोलना चाहिए क्योंकि आप कहाँ निवास करते हो आप तो निवास करते हो आपके शशुर के घर पर ही क्योंकि लक्ष्मी समुद्र राज की बेटी होने के नाते समुद्र मंथन में लक्ष्मी वहां से निकली थी इसलिए वो समुद्र की बेटी हो गई तो इसलिए भीम भगवान को डांटने लगा और इस डांट से भगवान क्रोधित नहीं हुए उनका मन सुख का अनुभव करने लगा क्यों सुख का अनुभव करने लगा क्योंकि वहां प्रेम का वाद चल रहा था रस का वाद चल रहा था वहाँ तार्किक वाद नहीं चल रहा था अहंकार का वाद नहीं चल रहा था तो भगवान अपने भीम को आशीर्वाद देते हैं और भीम भगवान श्री कृष्ण को कहते हैं कि देखो कृष्ण हमारे युधिष्ठ महाराज की बात अभी देने के लिए कुछ नहीं है वो अपने पाप को आपको नहीं दे पाएंगे क्योंकि आपके पास जो इन्वेस्ट करेगा ना वो प्रचुर मात्रा में वापस आ जाता है हम हमारे पास जो कुछ भी पुण्य है वो आपको देंगे आपको दोने, देने से क्या होगा वो पुण्य की जो सीमा है उसका वजन है वो बढ़ जाएगा इसलिए कृपा करके इसको स्वीकार हाँ तो भीम को आशीर्वाद दिया भगवान श्री कृष्ण ने भीम मेघवर्ण और वृषकेतु केवल तीन लोग कहाँ जाने लगे वो लोग लाने के लिए इस घोड़े को एक घोड़े को लाने के लिए वो चले उसका नाम था यवनाशव 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 मीन्स यवन यानी कि यावन मलेच और यावन उस देश में रहने वाला और वहां क्या उगा करते थे प्रचुर मात्रा में खजूर और वहाँ ऑटो की संख्या बहुत मात्रा में थी तो सोच सकते हो जैसे प्रभापात जी भागवतम में लिखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज का राज्य और उनके जो मांडलिक राज्य पूरे जगत में फैले हुए थे और उसका वर्णन से ऐसा लगता है हो सकता है कि वो गुजरात का जो डेजर्ट भी हो रेगिस्तान हो या हो सकता है कि गुजरात के बाहर पाकिस्तान होते हुए ये जो इराक ईरान देश है और वहाँ से सऊदी अरेबिया वहाँ तक जाकर उन्हें क्योंकि घोड़े सबसे अच्छे घोड़े वहाँ ही मिलते हैं अगर आप जाओगे तो आपको घोड़े देखने मिलेंगे या सिंधी घोड़े वहाँ भी अच्छे मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण के जो चार घोड़े थे वो सिंधी घोड़े थे सिंध देश के घोड़े थे और एक घोड़े का वर्णन किया गया है जैमिनी महर्षि ने कहा यह घोड़े दिखने में कैसे लगता है इनका जो सौंदर्य है इनका जो रूप है उनका जो रंग है वो दूध के समान सफेद था दूध के समान सफेद था और, और कैसे था वो कुंद वर्ण का था और उसके कान उसके कान मेघ वर्ण के थे और उसकी पूछ पीला था ऐसे घोड़ा उनको प्राप्त करना था जब यवनाश्व के राज्य में आए उन्होंने उस सुंदर वातावरण को देखा और देखने के उपरांत वो घोड़े का शोध करने लगे उसको ढूंढने लगे बहुत घोड़े दिखने लगे लेकिन इस प्रकार का जो वर्णन किया हुआ घोड़ा तो कहां भी दिखने के लिए तैयार नहीं है तो भीम जी थोड़े आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे कि इस घोड़े को मैं कहां देखू और इस घोड़े को मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं इसमें कुछ तो कारण होगा मैं घोड़े को नहीं देख पा रहा हूं देखो हर एक घोड़ा ना अपने स्वामी के साथ मित्रता करने के कारण वो निष्ठावन बन जाता है अपने राणा प्रताप का घोड़ा था चेतक शिवाजी महाराज का घोड़ा था पांडवों का घोड़ा था ये घोड़े मनुष्यों के साथ में जब उनकी मित्रता होती है उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं जब चेतक का एक पैर मानसिंह ने तोड़ दिया था मानसिंह किसके लिए काम कर रहे थे अकबर के लिए काम कर रहे थे थे क्षत्रिय राजपूत तो अपनी परिवार अपनी समाज के व्यक्ति राणा प्रताप से लड़ रहे थे राणा प्रताप से लड़ते लड़ते चेतक के पैर को तोड़ दिया और जब राणा प्रताप थोड़े खतरे में आ गए तब चेतक तीन पैर से जो राणा प्रताप का जो भाला था वो तो अस्सी किलो का हुआ करता था उनका जो छिलकत था अभी भी आप छिलकत को देख सकते हो चार लोग उठाना पड़ता है और ऐसे राणा प्रताप जो छिलकत पहनते थे ऐसे तलवार ऐसा भाला था उनके अपने ऊपर बिठाकर उनको लेकर घाटी से जाना और घाटी से जाते जाते एक छोटा सा जो पानी का जो स्ट्रीम है उसको पार करना और पार करके उनको सुरक्षित जगह में रखकर उनके ही गोद में अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया जिस समय अर्जुन और कर्ण के बीच में युद्ध हो रहा था इसलिए घोड़े बहुत मायना करते हैं योद्धाओं के लिए जैसे घोड़ों को देखते हैं, उनके मन में एक प्रकार का विचित्र एक एक अद्भुत शौर्य प्रकट हो जाता है जब कृष्ण और अर्जुन का युद्ध हो रहा था उस समय कर्ण को शल्य ने बोला कि अर्जुन के गले पर निशाना लगाओ नहीं उसके गले पे निशाना मत लगाओ उसके छाती पर निशाना लगाओ तो कर्ण ने कहा क्यों ऐसा करो मैं एक बार निशाना लगाने के बाद मेरे निशाना को बदलता नहीं हूं और उसने अपने निशाना को नहीं बदला छोड़ा। भगवान ने अपने चरणों से रथ को दबाया अभी जैसे ही रथ को दबाया तो घोड़ों ने क्या किया देर सो सेंसिटिव यहां दोनों योद्धा झगड़ा कर रहे लेकिन जैसे दबाने से घोड़े अपने घुटने पे आ गए नीचे आ गए चक्का अंदर चला गया रथ नीचे हो गया और कर्ण का बाण अर्जुन के किरिट को निकाला अर्जुन को गले को नहीं दिस इज कॉल्ड एस कम्युनिकेशन ये सेंसिटिव कम्युनिकेशन था और इसलिए जब भीम ने इन घोड़ों को नहीं देखा वो चिंतन करने के लिए रिफ्लेक्शन करने के लिए चिंता करने के लिए ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं घोड़े को नहीं देख पाता हूँ तो भीम के मन में आया हो सकता है कि मैंने कुछ अपराध किया है उन्होंने कहा कि मैंने गुरुद्रोह किया होगा व्यास महर्षि के प्रति अपराध किया होगा उनके सामने मैंने ज्यादा कुछ बोला होगा इसके कारण मेरी दृष्टि में समस्या आ गई है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दृष्टि में समस्या कब आती है जब अज्ञान भर जाता है गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते ना no. अज्ञानम आवृत्त ज्ञान तेन मुयंती जंतवा कि जब अज्ञान ज्ञान को कवर कर देता है तब जीव कैसे हो जाता है तेनामुंत जनतवा, वो भ्रमण होने जाता है और भ्रमण के कारण देख नहीं पाता पश्चन अपनी न पश्यती देखने पर भी नहीं देख पाता तो इसलिए भीम जब देख नहीं पाए तो उन्होंने कहा कि लगता है कि मैंने गुरुद्रोह व्यास महर्षि के प्रति गुरुद्रोह कर दिया और कृष्ण के साथ ऐसा बोल रहा था मैं उनको मैं डांट रहा था इसके कारण हो सकता है कि मैंने देवद्रोह किया और त्रिशर जो राजा युधिष्ठिर महाराज है उनके सामने भी मैंने गलत बर्ताव किया इसलिए मैंने द्रोह किया और मैंने व्रत लिया था कि मैं इस घोड़े को लेकर ही आऊंगा वापिस ऐसे नहीं आऊंगा जब तक घोड़ा नहीं आऊंगा वापिस नहीं आऊंगा और मेरी प्रतिज्ञा भंग हो रही है इसलिए मेरे से आत्मद्रोह हो गया और सबसे महत्वपूर्ण तो मेरे से इन चारों को एक साथ करने से होने वाला जो अपराध है वो धर्मद्रोह हो गया है इसलिए मैं घोड़े को देख नहीं पा रहा हूं ऐसे जैसे भीम सोच रहे थे उनके सामने वो उन घोड़ा दिखाई दिया सोचो तो इसलिए हमारे पास जब हम पॉजिटिव अफर्मेशन अपने संकल्प करने लगते इसको संकल्प कहते है हमारे संस्कृत भाषा में सारे एलिमेंट्स के साथ अर्थ वाटर फायर एरिथर भू शांति पृथ्वी शांति आप शांति वायु शांति अग्नि शांति इस प्रकार से बोलते हैं ना सारे जो पंच महाभूत को शांति करने से वो हमारे साथ में संवेदनशील होकर हमारे साथ आदान प्रदान करने लगते हैं दृष्टिकोण बदलने लगता है इसलिए हम देखते हैं ना कि देखने पर भी न देखने वाला सुनने पर भी न समझने वाला ये अज्ञान होने के कारण एक बार किधर तो प्रभुपाद जी ने एक कैलिफोर्निया में एक कोई व्यक्ति आए थे उनसे मिलने के लिए प्रभुपाद ने प्रयास किया उनको समझाने के लिए लेकिन वो समझ नहीं पाए तो प्रभुपाद ने बोला होपलेस केस क्योंकि विद्यार्थी को एक्सप्लेनेशन देना एक गुरु कर सकता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग नहीं दे सकते अंडरस्टैंडिंग कर लेना ये विद्यार्थी का उत्तरदायित्व तो होता है तो समझ में नहीं आया तो उसके लिए उन्होंने क्या किया उनको बोला ठीक है इनको कुछ रसगुल्ला या गुलाब जामुन दे दो प्रसाद के रूप में उसको रसगुल्ला दिया गुलाब जामुन दिया और उसको बहुत अच्छा लगा बोला वट इज दिस तो उसको समझा इंग्लिश भाषा में इट इज अ चीज बॉल इन शुगर वाटर बोला दैट्स ग्रेट बहुत बढ़िया है तो उसने क्या कहा कैन आई गेट मोर तो किसी ने पूछा क्यों चाहिए आपको उन्होंने बोला टू नाइट नाइव आई गो बैक माई प्लेस मैं मेरे वाइन में इस गुलाब जामुन को डालकर खाना चाहता हूं देखो जब अज्ञान से भर जाता है व्यक्ति समझ नहीं पाता तो उस समय क्या हुआ उस समय जो उस घोड़े को देखने के उपरांत उसके राज्य में पांडव ये तीन लोग प्रवेश करने लगे बहुत बड़ी सेना थी उनकी उनके साथ में घमासान युद्ध हो गया और उस घमासान युद्ध में काफी अश्व यवनाश्व के सैनिक मारे गए यवनाश्व आश्चर्यचकित हो गया वो पूछने लगा ये कौन है ये बालक कौन है ये छोटे छोटे बालक कौन है उनके साथ में आने वाला व्यक्ति कौन है जो क्या कर रहे हैं वो लोग उनकी सेना कितनी बड़ी है उनने अपने मंत्रियों से पूछा तो मंत्री सेनाधिपतियों ने कहा कि राजा वो लोग सेना लो 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 लेकर नहीं आए केवल तीन लोग आए हुए बोला तीन ही लोग तो मैं स्वयं उनके साथ में लड़ूंगा ये सोचकर राजा यवनाश्व अपने राज्य से बाहर निकले अपने दरबार से बाहर निकले और जब उन्होंने वृक्षकेतु को देखा ये छोटा सा बालक है वीर बालक है और लड़ने के लिए तैयार है उसको पूछा तुम किसका पुत्र हो तो वृक्षकेतु ने अपनी कहानी सुनाई तो फिर भी लड़ने के लिए आए काफी समय तक लड़ना हो गया तो इसके पहले क्या किया मेघवर्ण ने मेघवर्ण ने अपने प्रयास से अपने मायावी शक्ति के कारण सब जगह में अंधे अंधकार छा दिया और इतना अंधकार हो गया इतना अंधकार हो गया कोई कुछ देख नहीं पाया उस समय उस अवस्था को अपने अनुकूल बनाकर मेघ वर्णन में घोड़े को अपने पीठ पर डाल दिया वहां से चले गए अब कोई उसको पकड़ नहीं पाया राजा देख रहे कहां गया हो तो उस अश्वसेन को अपने पीठ पर लेकर वो आए अपने भीम के पास तो भीम बड़े प्रसन्नचित हो गया आश्चर्यचकित भी हो गए प्रसन्नचित हो गए इतना जल्दी काम हो गया लेकिन इतना जल्दी काम कैसे होगा इतना जल्दी का काम नहीं होगा तो वो यवनाश्व की सेना यवनाश्व स्वयं भीम वृषकेतु और मेघवर्ण के साथ लड़ने लगे लड़ते 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 लड़ते, लड़ते अंत में क्या हो गया ये दोनों बालक और भीम ने यवनाश्व को परास्त कर दिया और जैसे यवनाश्व को परास्त कर दिया यवनाश्व प्रसन्न चित्त हो गया यहाँ जो कहानी आएगी यहाँ के जितने भी योद्धा है हम हम, हम देखेंगे ये कोई भी योद्धा किसी भी प्रकार से दुखी नहीं होगा क्योंकि जिस समय महाभारत का युद्ध हो गया था और इस युद्ध में सारे जो अधर्मी योद्धा थे वो मारे गए थे जितने भी बचे हुए योद्धा थे जितने भी बचे हुए राजा थे वो सब के सब सुंदर महान हरी भक्त थे इसलिए ये हरी भक्त होने के कारण कभी कभी ऐसा हो जाता है दोनों भी हरी भक्त कृष्ण के नाम लेते लेते हुए एक घोड़े के लिए लड़ रहा है और दूसरा घोड़ा पकड़ने के कारण चुनौती देने के कारण लड़ रहे हैं और दोनों भी डिवोटीज हैं तो कैसे होगा ऐसा हम जानते हैं जब दूसरे महायुद्ध में जर्मन और ब्रिटिश लोग युद्ध कर रहे थे और दोनों युद्ध करने के कारण क्या हुआ दोनों युद्ध करने के कारण दोनों पक्ष के माताएं चर्च में जाया करती थी और भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे भगवान हे ईश्वर कि हमारे बच्चों को बचाए और यहाँ के लोग बोलते थे हमारे बच्चों को बचाए दोनों भी भगवान के पास जाकर बोल रहे कि हमको बचाओ तो ये कॉन्फ्लिक्ट हो गया ना भगवान को किस पक्ष से उनको भाग लेना चाहिए जैसे कहा जाता है कि जरूसलम में तीन समाज के लोग प्रार्थना करते हैं सब अब्राहमिक फेथ के तो एक ने कहा कि हे भगवान हे ईश्वर मेरी इच्छा कुछ नहीं है एक ही इच्छा है कि मेरा शत्रु है ना एक क्रिश्चियन उसका वध कर दो तो दूसरों ने कहा हे भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं है आप ये मुस्लिम को खत्म कर दो और तीसरे बैठे थे जूश वहां अगर आप जाओगे इसराइल में तीनों समाज के लोग आते हैं, तो उसने न धनम न जनम सुंदरी ऐसे प्रार्थना की और उन्होंने कहा हे hey भगवान मेरी कोई इच्छा नहीं इन दोनों की इच्छा पूरा कर दो तो यहां हो सकता है कि हम समझ सकते हैं कि क्या भगवान श्री कृष्ण को कंफ्यूजन आ गया क्योंकि जो जिनके लिए वो लड़ रहे थे जिनके साथ में थे पांडव वो भी भक्त थे और जिन्होंने घोड़े को बांध के रखा था वो भी भगवान कृष्ण के भक्त थे तो जीतेगा कौन हु और इस समस्या को भगवान श्री कृष्ण और उनके भक्त इतना सुंदरता से सुलझाते हैं एक एक कहानी इतनी मधुर इतनी सुंदर इतनी रोचक इतनी विचित्र इतनी अद्भुत तो इसलिए इस कथा में ये फिलोसॉफिकल कॉन्टेक्स्ट को कम रखेंगे ये कथा का हम श्रवण करते रहेंगे देखो उस समय जो योद्धा लड़ने वाले भी भक्ति से ओत प्रोत थे देवे फुल ऑफ डिवोशन तो ऐसे करते करते उस घोड़े को लेकर आए और घोड़े को लेकर आने के बाद यमनाश्व खुद अपने परिवार के साथ जब उनको समझ में आ गया कि भगवान श्री कृष्ण द्वारका हस्तिनापुर में है प्रतीक्षा कर रहे इस घोड़े को लेकर आने के लिए वो तैयार हो गए अपने परिवार के साथ आने के लिए और जब भी आए भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया बड़े प्रसन्न हो गए भगवान कृष्ण को देखकर और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर अभी चैत्र मास परिपूर्ण होने के नाते ये राज्य ये जो अश्वमेध यज्ञ है केवल चैत्र मास में प्रारंभ करना होता है चैत्र मास में प्रारंभ करने के कारण अगर हम अभी नहीं कर सकते भी ग्यारह महीने बाकी है तो मैं द्वारका चला जाता हूं इसलिए भगवान द्वारका जाने की तैयारी करने लगे और द्वारका चले गए यमनाश्व को दर्शन दिया उसके परिवार को दर्शन दिया प्रसन्न हो गए बहुत सारे भेंट पांडवों को दे दिया अपने देश चले गए तो 11 मास के बाद जब पांडवों को फिर से अभी क्या करना है उस घोड़े को लेकर उसके माथे पर एक सोने का पत्र और उसे लिखना है कि इस घोड़ा मेल घोड़ा था हो स्टालिन था यह घोड़ा पूरे पृथ्वी का भ्रमण करेगा अगर किसी में हिम्मत हो इस घोड़े को बांध कर रखो अगर बांधोगे हम चुनौती देंगे आपको परास्त करेंगे और इस घोड़ों को फिर से छुड़वाएंगे और आपसे भेंट लेकर हम हमारे विजय यात्रा को जारी रखेंगे ऐसी एक संकल्पना थी और इस संकल्पना को पूरा करने के लिए घोड़ा तो आ गया भगवान आशीर्वाद मिल गया लेकिन कृष्ण ने बोला अभी तो मैं चला जाता हूं जब यज्ञ होगा तब मैं वापिस आता हूं तो जब हस्तिनापुर में युधिष्ठिर महाराज बैठे फिर से वैसदेव जी आ गए और वैसदेव जी ने कहा देखो युधिष्ठिर अभी आप इस घोड़े का अश्वमेध के बारे में कुछ तो सुनना पड़ेगा और वो कहानी बताने लगे उन्होंने कहा देखो मरुद देश के मरुद राजा उनके यहाँ उनके आचार्यों ने उनको कहा था कि आपको अश्वमेध यज्ञ करना है उनके पास भी धन नहीं था अश्वमेध यज्ञ करने के लिए तो धन कहां से आएगा फिर वो धन प्राप्त करने के लिए भटके धन को एकत्रित कर दिया अभी उस यज्ञ को चलाने के लिए देवगुरु की आवश्यकता थी बृहस्पति के पास गए और उनको कहा कि हे बृहस्पति आचार्य कृपा करके आप आइएगा हमारे यहां हम यजमान के रूप में आपको निमंत्रण कर रहे हैं कि आप इस यज्ञ को संपन्न कर तो बृहस्पति तैयार हो गए और जैसे बृहस्पति तैयार हो गए इंद्र आ गए वहां अभी हम देखते हैं कि इंद्र काफी बार बाधा डालते है बाधा डालना ये कोई उनको शौक नहीं है ये उनका कर्तव्य है इसलिए हम देखेंगे भगवान श्री कृष्ण इंद्र को कभी डांटते नहीं है बहुत कम डांटते उनका काम है कि गलत लोग यज्ञ ना करें गलत लोग स्वर्ग का संपर्क न करें ऐसी उनकी भावना होती है तो इसलिए जब इस यज्ञ में इंद्र ने देखा कि मरुत राजा के पास बृहस्पति जाने वाले उन्होंने कहा खबरदार आप नहीं जा पाओगे इस यज्ञ में आप नहीं जा पाओगे आपको नहीं जाना ये मनुष्य यज्ञ है इनको यज्ञ नहीं करना चाहिए और आपको जाना भी नहीं चाहिए इसलिए मैं आपको रोकता हूं जाने से अभी इंद्र राजा है बृहस्पति को मानना पड़ा तो मरुत वापिस आ गए नहीं चाहिए बहुत दुखी थे उन्होंने सोचा क्या फायदा है इतना सब प्रयास करने का मैं जंगल चला जाता हूँ और वहां तपस्या करके भगवान के प्रति अपना मन को केंद्र में लगाते मेरे प्राणों को छोड़ दूंगा ऐसा सोचने लगे लेकिन वहां नारद मुनि आ गए देखो नारद बुनी सही समय पर आ जाते नारद बुनी आकर ने आकर उन्होंने पूछा क्या हो गया तो मरुद राजा ने अपनी कहानी सुनाई ऐसा ऐसा हो गया तो नारद मुनि वाला चिंता करने की आवश्यकता नहीं है देखो नारद मुनि सारे कथाओं को दुनिया के अलग अलग कथाओं को कारस्थान को कॉन्फ्लिक्ट को सब कुछ समझते उन्होंने कहा क्या है ना ये बृहस्पति और संवृत नाम के दो भाई थे तो दोनों बड़े अच्छे थे लेकिन जिस समय प्रॉपर्टी आ गया तो दोनों भाइयों में संघर्ष हो गया और उस संघर्ष के कारण सारे अस्थि प्रॉपर्टी को बृहस्पति ने ले लिया लेकिन संवर्ध को कुछ नहीं मिला तो इसलिए अगर आप संवर्त को बुलाओगे वो यज्ञ करेगा आपका तो संवर्थ की महानता बढ़ेगी और बृहस्पति भी शांत हो जाएगी इसलिए उनको बुलाओ तो संवर्थ को बुलाएंगे कैसे पूछा तो उनको कहा देखो संवर्थ को बुला के, बुलाने के लिए जाओगे आप एक शव के साथ जाना एक शव के साथ जाओ जब संवर्थ उस शव को देखेंगे वो अवधुत के समान इधर उधर भटकते रहते हैं जैसे उस शव को देखेंगे वो भागने लगेंगे उनके पीछे भागो और उनको पकड़ कर उनसे बात करो तो ठीक कहा उन्होंने तो क्या हुआ गए मरुत महर्षि समर्थ के पास और बैठे है एक एक शव को लेकर मुर्दे को लेकर लोग आते थे जाते थे इधर से आते थे उधर से आते थे सब जगह से आते थे देखते थे लेकिन जैसे मरुत ने देखा एक ब्राह्मण अवधूत वहां भ्रमण कर रहा है और भ्रमण करते 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 उसने जैसे शव को देखा भागने लगे भागने लगे भागने लगे भागने लगे तो मरुद भागा उनके पीछे क्योंकि नारद ने कहा था भागते 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 उन्होंने क्या कर दिया उनके पास जाकर प्रणाम किया संवर्तक ने बोला क्या क्यों आयो आप तो उन्होंने पूरी कहानी सुनाई कहानी सुनाने के बाद बोले ठीक है अगर मेरा भाई आपको धमकाएगा इंद्र आपको धमकाएगा क्या आप यज्ञ को बंद करोगे बोला तो हरगिज नहीं मुझे यज्ञ करना है निश्चित रूप से करना है इसलिए आप हमारे साथ में रहे आप हमें मदद करे हम निश्चित रूप से इसको यज्ञ करेंगे तो बोला चलो मैं देखता हूं कौन तुम्हें रोक सकता है अरे इंद्र को समाचार समझ में आ गया कि इस व्यक्ति यज्ञ करना चाहता है तो इंद्र ने बुलाया उनको और चेतावनी दी उन्होंने कहा तुम यज्ञ नहीं कर सकते हो अगर आप यज्ञ करोगे तो मैं बहुत बड़ी समस्या खड़ा कर दूंगा आपको होने नहीं दूंगा आपके परिवार को मैं देख लूंगा ये ऋषि को देख लूंगा तो कैसे यज्ञ करोगे आप अगर ऐसे कोई आपको धमकाया डरवा डराया तो नहीं कर पाओगे तो अपने जो कुल गुरु के कारण समवर्त के कारण सुवर्त में अमरुत में शक्ति आ गई यज्ञ करने के लिए इंद्र ने काफी समस्या कर दी इंद्र ने अग्नि को भेजा अग्नि को भेजकर उसके यज्ञ को नाश करने के लिए प्रयास किया लेकिन जैसे संवर्तक मुनि ने अपनी आंखें खोली तपस्या का क्षीण दृष्टि डाल दिया अग्नि डरने लगे वो बोले मैं चला जाता हूं वो आ गए स्वर्ग में बोले बाबा बहुत हो गया मुझे आपने भेजा मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि ऐसे ऐसे हो गया तो हमारे इंद्र को समझने पड़ा उन्होंने यज्ञ में बाधा डालना बंद कर दिया संवर्तक ने बहुत सुंदर यज्ञ किया ह वो अश्व में यदि यज्ञ किया और उसकी संपत्ति है तो हमें जाना चाहिए उस संपत्ति को लाने के लिए तो फिर से व्यास ये सारी कहानी व्यास दिव्य ने पांडवों को सुनाता है उधर अलग अलग लोगों के गुणों का वर्णन किया तो ये करने के उपरांत अभी जाकर धन लाना है ना यू डू एंड ब्रिंग वेल्थ तो उस धन लाने के लिए वो क्या करने लगे वो धन लाने के लिए वहां चले गए अर्जुन भी आया युधिष्ठिर भी आया भीम नकुल सौदे भी आया वो सारे धन को एकत्रित किया उसी जगह पे धन एकत्रित करने के कारण अर्जुन को धनंजय का नाम आया था इसलिए देखो यहाँ युधिष्ठिर महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है जब वो राजा थे तभी भी धन के बारे में सोच रहे थे जब वो जंगल में थे तभी भी अर्थ प्राप्ति के बारे में सोच रहे थे लगता है कि कब संतुष्ट थे फिर कब संतुष्ट थे युधिष्ठिर महाराज धन की अपेक्षा कर रहे हैं लेकिन यहाँ धन की अपेक्षा क्यों कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं तो एक बहुत ही सुंदर मुद्दा है शास्त्र में वो मुद्दा क्या है अगर आप स्वयं से जो कुछ भी अब उसे संतुष्ट हो लेकिन समाज के लिए हमेशा के लिए असंतुष्ट हो ऐसे व्यक्ति एक राजर्षि बन जाते हैं तो युधिष्ठिर महाराज धन के लिए अपेक्षा करना और धन न होने के कारण चिंता करना एक कोई पाप या रोग नहीं या दुर्बलता नहीं है उनकी ये स्वाभाविक आवश्यकता है क्योंकि वो राजा होने के नाते धन बहुत ही महत्वपूर्ण तो बन जाता है इसलिए चाणक्य कहते हैं जो रुका हुआ घोड़ा रुका हुआ ज्ञान और रुका हुआ राजा हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं राजा को भ्रमण करना चाहिए भ्रमण करना चाहिए भ्रमण करना चाहिए जैसे संत लोग भ्रमण करते हैं वैसे राजा को भ्रमण करना चाहिए अपने राज्य में राजा कभी भी आइडियल नहीं बन सकता आइडल बनकर वो काम नहीं कर सकता उसको हमेशा इसीलिए जैसे उठते सुबह क्या देखता है राजा पहले उड़ते लंगे लुंगड़े अपंग लोगों को देखता है क्योंकि समझ में आता है मैं समाधानी हूं लेकिन मेरी प्रजा सुखी नहीं है उनके लिए मुझे कुछ तो करना होगा उनके लिए मुझे कुछ तो करना होगा तो सारा धन एकत्रित कर दिया ब्रॉट बड़े बड़े घोड़े में सोचो कितना ब्राह्मणों ने उस धन को लेकर नहीं गए थे और आए वो घोड़ा भी आया था तो इसके बीच में क्या हुआ नहीं जब वो घोड़ा लेकर आए थे तब भगवान श्री कृष्ण यवनाशु से मिले फिर चैत्र का मौसम खत्म हो गया था इसलिए वो अपने देश अपने द्वारका वापिस चले गए थे और यहां व्यासदेव जी ने उनको समझाया व्यासदेव जी के साथ पांडव जाकर वहां धन वापिस लेकर आए बहुत बड़ा बलि वगैरह चढ़ाए यज्ञ किया और लेके आने के बाद तब भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि हे भीम आप द्वारका चले जाओ और द्वारका में जाकर भगवान श्री कृष्ण को इस यज्ञ के लिए बुलाओ ह अगर आप इस यज्ञ के लिए उनको बुलाओगे तो उनके बिना हम इस यज्ञ को नहीं कर पाएंगे तो उन्होंने कहा ठीक है हमको बुला कर लाते उनको तो अर्जुन भीम कहां चले जाते द्वारका में आते जब अर्जुन द्वारका में आते सॉरी भीम जब द्वारका में आ जाते हैं तब क्या हुआ भगवान श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ भोजन स्वीकार कर रहे थे प्रचुर मात्रा में भोजन स्वीकार कर रहे थे और उस समय भोजन खाते खाते वहां सत्यभामा थी देवकी थी और उस समय भगवान श्री कृष्ण को सत्यभामा थोड़े डांटने लगी जब सत्यभामा भगवान कृष्ण को डांटने लगी तो देवकी को क्रोध आ गया देवकी ने कहा तुम क्या कर रहे हो आप जानते हो ये कौन है ये कोई साधारण नहीं है इन्होंने हमारे बंधन को मुक्त कर दिया यानी कि कम्स के बंधन में थे हमें उस बंधन से मुक्त कर दिया है और ऐसे व्यक्ति यहां हमारे साथ बैठे हुए और तुम ऐसे ही उनको डांट रही हो तो सत्यभामा ने क्या कहा सत्यभामा ने कहा देखो मैया आपने कहा कि इन्होंने आपको अपने बंधन से मुक्त कर दिया लेकिन एक ऐसे हो गए कि वो हमको अपना बंधन में डाल दिया विवाह बंधन बोलता है ना बंधन बंधन ये शब्द जो बंधन है एक कहां से आता है संबंध सम्यक बंधन इंटीग्रेटेड रिलेशनशिप तो प्रश्न उपहास के रूप में हास्य रूप के हास्य रूप में पूछने लगी अरे इनको देखो मेरे पति है वृंदावन में क्या करते थे वृंदावन में केवल माखन खाया करते थे वृंदावन में क्या करते थे दूध पिया करते थे वृंदावन में क्या करते थे केवल दही खाया करते थे लेकिन संघ का परिणाम क्या हो गया संघ का परिणाम ये हो गया कि युधिष्ठिर पांडवों के साथ में संघ होने के कारण ये भी मृष्टान भोजन कर रहे हैं षड्रस अन्न का स्वीकार करें षड्रस छह छः रसों का जब आपको पूरा मील मिलता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ कंप्लीट मील आजकल तो सब लोग को चावल दाल या रोटी खाना पड़ रहा है सब्जी कम खाना पड़ रहा है क्योंकि लॉकडाउन के कारण रिसोर्सेस कम है खास करके बड़े बड़े शहरों में लेकिन गाँव में प्रचुर मात्रा में है तो इस प्रकार से जब देवकी ने देखा सत्य को डांटा और भीम वहाँ आ गए जब भीम वहाँ आ गए तो भीम को देखकर द्वारपालक उनको रोकने के लिए प्रयास किया उन्होंने कहा हे रुक जाइएगा क्योंकि द्वारकाधीश भोजन स्वीकार कर रहे हैं और भोजन स्वीकार करते समय किसी को अंदर लेते नहीं है अभी भीम को कौन रोक सकता है भीम थोड़ी रोकने वाले हैं भीम उस द्वारपालक को हटाया और आगे जाने लगे और द्वारपालक सीधे भगवान कृष्ण के पास गए और उनको कहा देखो ये भीम आया हुआ है उसके लिए आप आप ये जो कृष्ण आप, आप उनको स्वागत करें तो भगवान फिर जोर जोर से जल्दी जल्दी खाने लगे स्टाइल एडिटिंग फास्टर और जोर से उन्होंने क्या किया उनके जब बिल्चिंग हो गया वो आते ही भगवान श्री कृष्ण की आवाज को सुनकर भीम ने नाटक किया उन्होंने कहा अरे बाप रे ये क्या कर दिया आपने हमको इतना क्यों डराते हो कितना खाते हो आप पहले भी उन्होंने डाता था उनको कि आप इतना खाते हो आप इतना कैसे खा सकते हो आपको शर्म नाम की चीज नहीं है हा? और ऐसे वो डांटने लगे भगवान श्री कृष्ण को प्रेम से यहाँ बहुत कुछ डांट है बहुत कुछ शौर्य का वर्णन है और डांटे डांटे भीम ने कहा भगवान श्री कृष्ण को अभी आपको आना होगा इस यज्ञ के लिए और भीम ने एक, एक बात कही उन्होंने कहा देखो आपने हमको भोजन के लिए नहीं बुलाया क्योंकि हम तो अर्जुन इतना आपके साथ निकट नहीं है ना यहां द्वेष नहीं है यहां कंपैरिजन नहीं है यहां तुलना नहीं है यहां अर्जुन की प्रशंसा है क्योंकि अर्जुन को एक बार संजय ने देखा था महाभारत में इसका वर्णन आता है अर्जुन कृष्ण सत्यभाम और द्रौपदी विराजमान थे अर्जुन के एक चरण भगवान श्री कृष्ण के चरणों को सत्यभामा देवी मसाज कर रही थी और अर्जुन कैसे बैठा हुआ है भगवान के अपने गोद में बैठा है कहता ना भगवत के प्रथम स्कंद में शैयासन भोजन की मैं आपके साथ गलत व्यर्थाप किया जब भी आप खाते थे मैं आपके साथ में खाता था जब सोता था मैं आपके शैया पर सो जाता था जब आपके साथ ठेलने के लिए जाता था आपके साथ मैं ठेलने के लिए जाता था आपकी आपका मैं मजाक उड़ाता था ऐसे अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को कहने लगे तो ये भीम जानते थे हाँ इसलिए प्रशंसा के रूप में उन्होंने कहा कि हम तो अर्जुन इतने निकट नहीं है तो कृष्ण ने भीम को भी अपना प्रेम दिखाया और इसके बाद में क्या हुआ उनके परिवार के लोग पूरे परिवार के लोग हस्तिनापुर की ओर द्वारका से निकलने की तैयारी करने लगे और आए उधर किधर आए हस्तिनापुर आ गए पूरा परिवार देखो भगवान ने अपने सारे जितने भी रानियां थी अभी जा रहे परिवार सह कुटुंब, सह परिवार लोग भेजते हैं ना सह कुटुंब सह परिवार मतलब कितना होता है आजकल एक पत्नी और एक पति एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा दो बच्चे बस हो गया अभी देखो सह कुटुंब सह परिवार यानी कि भगवान श्री कृष्ण का परिवार कितना बड़ा है सोलह हजार एक सौ आठ रानिया हर एक के दस दस पुत्र और उनकी सेवा करने के लिए इतने सारे जो सेवकगण तंबू लगाने के लिए भोजन बनाने के लिए क्योंकि प्लेन से नहीं तो के गए थे ना तो इतनी बड़ी संख्या में वो लोग द्वारका से हस्तिनापुर की ओर प्रवास करने लगे क्योंकि अश्वमेध की तैयारी करनी थी उनको मदद करना था उनके लिए भेंट ले लिया सब कुछ लेकर भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में प्रवेश करते तो तब बातें होती है सारे रानियों की सत्य भामा और द्रौपदी के बीच में थोड़ा सा मस्ती मजाक होने लगा और कृष्ण की स्तुति हो गई कृष्ण का स्वागत हो गया और ये सब करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उस घोड़े को देखा वो इतना सुंदर घोड़ा था कैसे वर्ण का था दूध वर्ण का था उसकी पूछ पीली थी उसके जो जो कान थे वो मेघ वर्ण के थे श्याम वर्ण के थे अभी क्या हुआ इस घोड़े को अभी अलग अलग राज्य में भेजना है दे आर सपोज टू सेंड इट टू डिफरेंट किंगडम और उस राज्य में कैसे लेकर जाना है व्यासदेव जी ने कहा था उस घोड़े के माथे पर एक सोने के पत्र में लिखाना लिखना होगा इस घोड़े को अगर किसी ने पकड़ लिया इसको बांध लिया अगर पांडव को चुनौती दिया तो उनके साथ में युद्ध करना होगा अगर आपको युद्ध करने की इच्छा नहीं है तो पांडवों के इस युद्ध में मदद करना होगा तो कभी कभी लोग प्रश्न करते कि अरे ये कौन सा प्रायश्चित यज्ञ है भगवान रामचंद्र जी ने भी किया अश्वमेध यज्ञ रावण का वध करने के बाद यहां पांडव भी उसी प्रकार के यज्ञ कर रहे इतना बड़ा भयानक युद्ध होकर समाप्त हो गया था फिर से और एक युद्ध क्यों प्रश्न उठता है ना वट इज दिस हाउ इज इट पॉसिबल हाउ इज इट ये शांति के लिए कैसे है इसलिए भीम पहले युधिष्ठिर महाराज को कहते हैं कि भ्राताश्री आप जानते हो ना हम क्षत्रिय होने के नाते भगवान श्री कृष्ण ने हमको उपदेश दिया आदेश दिया है संदेश दिया है किस युद्ध को इस क्षत्र धर्म को आपको पालन करना है और इस छात्र धर्म को पालन करने हेतु तो, जो हिंसाएं होती है जैसे अगर कोई बड़ा बिजनेस करना चाहता है देश को चलाना चाहता है कुछ करना चाहता है कई उनको को कष्ट देना पड़ता है जैसे लोग ताजमहल देखने के लिए जाते हैं उसकी प्रशंसा करते हैं इट्स अ साइन ऑफ सिंबल ऑफ लव लेकिन अब जानते हो सिंबल ऑफ लव को बनाने के लिए कितना कितना कष्ट उठाना पड़ा हाउ मच ट्रबल टू टेक बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ा था कितने लोग लाखों लोग उसके लिए काम कर रहे थे तो उसी प्रकार से एक क्षत्रिय को समृद्धि लाने के लिए और स्थिरता लाने के लिए नियमित रूप से अपने अस्त्रों को धारण करना ही पड़ेगा और ये योद्धा लोग युद्ध न करने से सुख का अनुभव नहीं करते प्रजा की रक्षा करने हेतु तो, समाज की रक्षा करने हेतु तो, जो अपने हाथ में तलवार और धनुष उठाते हैं ना दैट इज देयर ड्यूटी दैट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो यहाँ पांडव गण ने क्या सोचा अभी हमें इस घोड़े को लेकर जाना है और कौन कौन जाने वाले थे उस घोड़े को लेकर भीम भी जाने वाले थे लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योद्धा अर्जुन आ गए अर्जुन के साथ में वृक्षकेतु तो, अर्जुन के साथ में मेघवर्ण अर्जुन के साथ प्रद्युम्न अर्जुन के साथ में सात्यकी, अर्जुन के साथ में यादवी लोग ये सब लोग मिलकर जाने वाले थे उस घोड़े की रक्षा करने के लिए और घोड़ा अगर गायब हो गया अगर वो घोड़े को वापस नहीं ला ला पाए उस अश्वमेध में तो बहुत बड़ा अनिष्ट हो सकता है जैसे सगर महाराज के साथ में हुआ था सगर महाराज यज्ञ करना चाहते थे परंतु उसका परिणाम क्या हो गया उस घोड़े को इंद्र ने छिपा के रखा और यज्ञ के बदले में उसके साठ हजार पुत्र मारे गए सगर महाराज के और उनको उद्धार करने के लिए अंशुमन भगी अंशुमन दिलीप और भरत को इतना सारा प्रयास करना पड़ा लेकिन उसका प्रयास का, का परिणाम क्या होगा गंगा इस भौतिक जगत पे आ गई तो घोड़े लेकर वो अपने प्रवास को करने लगे दुर्भाग्य क्या हो गया अभी प्रवास चालू ही नहीं हुआ था उस समय जो सालव नाम का जो राक्षस था जिसको भगवान श्री कृष्ण ने मारा था उसका छोटा भाई अपने गुप्त वेश में आकर बदला लेने के भाव से उस घोड़े को अपहरण कर दिया उसकी हिम्मत यादव उनके सामने पांडव के सामने उस घोड़े को अपहरण कर दिया और उसको चुनौती दिया गया वो अपहरण करते ही बहुत बड़ा घमासान युद्ध हो गया और दुर्भाग्यवश उस युद्ध में क्या हो गया अनुसाल में पहला गया कर्ण का पुत्र चला गया पहला वृश्य तो वो बेहोश हो गया फिर उसके बाद में जब प्रद्युम्न गया उसको लड़ने के लिए उन्होंने बोला तू कैसा है तू तो अनग है तू काम है तेरे बस कहा धनुष है तेरे बाण कैसे तू क्या मुझे परास्त करेगा अनु ने उसको बेहोश कर दिया भीम को बेहोश कर दिया और स्वयं भगवान श्री कृष्ण गए उसके साथ लड़ने के लिए और उनने भगवान कृष्ण को भी परास्त कर दिया आश्चर्यचकित हो गया सब लोग फिर उस समय फिर से वृक्ष केतु गया देखो वृक्ष केतु को भगवान श्री कृष्ण एक अवसर देना चाहते थे कर्ण का पुत्र था और उस वृक्ष केतु ने बहुत सुंदरता से युद्ध करते करते अनुसाल्व को परास्त कर दिया और उसको पकड़ कर लाया और अनुसाल्व अपने भाई जैसा न करते हुए पांडवों के शरण में आ गया भगवान के शरण में आ गया उनसे एक क्षमा मांगी उन्होंने बोला अब मैं इनके साथ में इस घोड़े की रक्षा करने के लिए पांडव उनके साथ में मेरे तन मन धन के द्वारा आगे बढूंगा तो यहाँ से वो लोग कहा जाते वो नील राज नील ध्वज राजा के राज्य में प्रवेश करते हैं और यहाँ से कथा रोचक बनने लगती है आपने कभी नहीं सुना होगा ऐसी कथा है सुंदर कथा है इसमें इतना सुंदर भक्ति का भाव है दोनों लड़ रहे हैं और हर एक राजा जब लड़ रहा है पांडव उनके साथ में उसके मन में एक ही विचार एक ही उद्देश्य होगा वो उद्देश्य क्या है ये पांडव भगवान के भक्त है ये पांडवों के प्रति भगवान कृष्ण का पक्षपात है और हम भी कृष्ण के भक्त है लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतने नहीं अर्जुन इतने नहीं अगर हम इनके साथ में लड़ेंगे घमासान युद्ध करेंगे हमारे यज्ञ से तो भगवान नहीं आते हमारे पूजा से तो नहीं आते लेकिन अगर हम इनके साथ में लड़ेंगे अच्छा से लड़ेंगे तो उनकी सुरक्षा करने के लिए निश्चित रूप से भगवान कृष्णा जाते क्योंकि पांडव जब भी जभी उनके जीवन में समस्या आती है और यह समस्या नहीं भी आती है तो अगर वो पुकारते भी नहीं हो फिर भी कृष्ण उनकी रक्षा करने के लिए आएंगे तब उनका हमें निश्चित रूप से दर्शन होगा इस भाव को लेकर आगे जितने भी राजा लोग रहेंगे वो पांडव उनके साथ में लड़ेंगे वहाँ एक ऐसा भी राज्य आ जाता है जो स्त्रियों से भरा रहता है उनके साथ कैसे लड़ोगे आप क्या अर्जुन ने उनके साथ लड़ा कल हम लोग तीन सुंदर रोचक कहानी नीलध्वज जो रानी थी राजकुमारी जो स्त्री राज्य था वहाँ के हर एक योद्धा स्त्रिया थी उनके साथ में क्या हुआ फिर तीसरा अर्जुन और एक महान योद्धा महान योद्धा था प्रहलाद इतनी भक्ति थी उसमें उसकी उसी प्रकार से परीक्षा हुई थी और अर्जुन इतना ही महान योद्धा था महान हरिभक्त था और उनके दोनों के बीच में विचित्र ऐसा कुछ कार्य हो गया जो भगवान कृष्ण उसको सुलझा सकते थे इसको हम लोग कल देखेंगे हरे कृष्णा जय शिल प्रभुपाद पाद की जय आरजी मीडिया यूट्यूब चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब